भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। भिवंडी शहर आजमी नगर स्कूल नंबर 39 में जिजाऊ सामाजिक संस्था की तरफ से बच्चों को नोटबुक बांटकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जिजाऊ सामाजिक संस्था से हम लोग ने आज कॉफ़ी का वाटप रखा हुआ है। आज मेरा जन्मदिन के हिसाब से यहाँ पे कॉफ़ी का ताप बांटने के वो रखे हुए हैं। बाकी मैंने समरू बाग में आजमी नगर में कैम्प किया था, ब्लड कैम्प किया था, वैक्सीन कैम्प किया था, श्रम कार्ड का किए थे, उसके बाद हमारे मेडिकल कैम्प भी किए थे। जो भी बच्चे लोग को हेल्प लगेगी तो मैं एक समाज सेवक हूँ। अवेश बाबा, कभी भी आ सकते हो आप, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको हमारे यहाँ पे बोलोगे हम हेल्प करेंगे। पूरी हमारी टीम खड़ी रहती है जिजाऊ की, जो भी आपको हेल्प लगेगी आप बोलिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंच पर बैठे हुए मेहमान टीचर आविश बाबा जी हमारे दोस्त भी हैं और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे जिजाऊ संस्था का सदस्य बनकर यहाँ आया हूँ। हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं जिजाऊ संस्था और भिवंडी शहर में हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग भिवंडी शहर में नोटबुक बांटे थे BMC के स्कूल में, तो और इस साल भी हम लोग नोटबुक बांट रहे हैं। पिछले साल हम लोग 3 लाख नोटबुक बांटे थे और इस साल भी हमारा 3 लाख नोटबुक बांटने का सिलसिला शुरू है। अभी हमारी 15वीं स्कूल है, तो जिजाऊ संस्था शिक्षा के ताल्लुक से और फील्ड में भी काम करती, जैसे खेती बाड़ी हो, स्पोर्ट्स हो, ऐसे जो भी और हेल्थ के बारे में हम लोग एरिया में कैंप लगाते हैं, जैसे कि आरोग्य कैंप, जनरल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, यहीं पे भी हमने 3 कैंप लगाए थे आयुष बाबा की जी की जानिब से। और यहाँ पे हम लोग जनरल कैंप लगाए थे, उसमें भी हम लोग 12 से 13 पेशेंट के हर्निया पथरिया इनका ऑपरेशन किए थे, उसमें आयुष बाबा जी ने हमें बहुत सहयोग किया था। उसके बाद में हम एक वैक्सीनेशन कैंप किए थे और उनकी ही एरिया में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किए थे। ऐसे ही हम लोग सलम एरिया में जाके सब सलम एरिया देख के वहाँ पे मोतियाबिंद के कैंप, जनरल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी पेशेंट मिलके उनका ऑपरेशन फ्री में करा के देते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो हमारा ऑफिस कोनाक बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है जकात नाके पे, वहाँ पे हम लोग बच्चों के उत्पन्न दाखला, जात का सर्टिफिकेट, जैसे जो बाकी के सर्टिफिकेट, पैन कार्ड वगैरह, वो हम लोग वहाँ पे सरकारी शुल्क में बना के देते हैं। उसके बाद में कोई बच्चा स्पोर्ट में आगे जा रहा है तो उसको भी हमारी संस्था हेल्प करा के उसको आगे जाने का काम करा दिए। इस और अब और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि हम लोग एरिया में जाके करते हैं, जैसे माड़ा कॉलोनी में पिछले साल बाढ़ आई थी, वो बाढ़ में हम लोग 1000 किट फूड के बांटे थे। उसके बाद जो किट रहती है पूरे महीने का राशन, वो किट भी हम लोग बांटे थे और 2 जन को हम लोग चेक के रूप में पैसा दिए थे। और वहाँ पे तुरंत एक जनरल कैंप रखे थे कि लोगों को जो भी बीमारी हुई थी तो उससे वो बीमारी दूर करने के लिए हम लोग की कैंप रखे थे, पत्रे बांटे थे। ऐसे हम लोग मतलब जो इमरजेंसी जो भी आते हैं उसमें हम लोग तुरंत जाते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जिजाऊ संस्था बहुत ये सब जो भी काम रहते हैं सब करा के देते हैं। ए बेटा गुनाह।